हाँ जी, क्या हाल है। मैं हूं दीपेश कुमार और आ गया हूं आपके सामने एक और नए स्मार्टफोन की वीडियो लेकर, जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी A22 5G। अब क्या करें भाई, हर दूसरे दिन एक नया फोन लॉन्च होता है और बहुत ही जल्दी आउट ऑफ स्टॉक होगी। खैर कोई बात नहीं, अब देखते हैं इस फोन के अंदर आपको क्या दिया गया है। वीडियो को बिल्कुल लंबा ना करते हुए चलते हैं इस फोन की स्पेसिफिकेशन पर, देखते हैं इसमें आपको 5G के अलावा क्या क्या मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस फोन की डिस्प्ले से। इस फोन के अंदर आपको 6.6 इंच का फुल HD प्लस TFT डिस्प्ले दिया गया है और साथ ही इस फोन के अंदर आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट भी दिया गया है। और अगर बात करें इस फोन की एक बार बैक साइड की, तो इसके बैक साइड में आपको पॉलीकार्बोनेट की बॉडी देखने को मिलती है। अगर बात करें इस फोन के प्रोसेसर की, तो इस फोन के अंदर आपको MediaTek Dimensity 700 7nm बेस ऑक्टा कोर 5G प्रोसेसर दिया गया है और 5G के इसमें आपको 11 बैंड दिए गए हैं। और इसके अलावा जो इस फोन में आपको दिया गया है वो है Samsung का One UI कोर, जो कि Android 11 पर काम करता है। चलिए अब एक नजर डालते हैं इस फोन के कैमरा की तरफ। इस फोन के अंदर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप का सपोर्ट दिया गया है, 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा। और अगर बात की जाए इस फोन के सेल्फी कैमरा के बारे में, तो इसके अंदर आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं इस फोन की बैटरी के बारे में, देखते हैं इस फोन के अंदर आपको कितनी बड़ी बैटरी दी गई है। दोस्तों इसके अंदर आपको 5000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है USB टाइप सी पोर्ट के साथ, जिसको चार्ज करने के लिए आपको 15W का फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर ही देखने को मिलेगा। चलिए बहुत हो गई बात है इस फोन की बैटरी, कैमरा और प्रोसेसर के बारे में बात करते करते, देखते हैं इन सब चीजों के अलावा इस फोन के अंदर आपको और क्या क्या दिया गया है। दोस्तों इसके अंदर आपको दिया गया है साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट सेंसर, कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट, 3.5mm का हेडफोन जैक और सिंगल स्पीकर। और सिंगल स्पीकर की क्वालिटी और बेहतर बनाने के लिए आपको दिया गया है इसके अंदर डॉल्बी एटमॉस्फेयर का सपोर्ट। बात की जाए अगर गेमिंग की, तो गेमिंग के अंदर आप पबजी की ग्राफिक सेटिंग के अंदर HD में हाई तक आप गेम खेल सकते हैं। इसके अलावा आपको दिया गया है वाइड वन एल वन का सपोर्ट, यानी कि आप नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर HD में कंटेंट एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं इस फोन की प्राइसिंग की, देखते हैं इंडिया के अंदर ये सैमसंग का 5G फोन किस कीमत पर लॉन्च किया गया है। सैमसंग गैलेक्सी A22 5G के दो वेरिएंट लॉन्च किए गए हैं, 6GB 128GB जिसकी कीमत 19,999 रुपये रखी गई है और 8GB 128GB जिसकी कीमत 21,999 रुपये रखी गई है। और अगर यार मैं बात करूँ अपने ओपिनियन की, तो मुझे लगता है कि यार ये फोन थोड़ा सा ज़्यादा महंगा है। मेरे हिसाब से इस फोन की कीमत होनी चाहिए थी 15 या 16 हज़ार के आसपास, क्योंकि यार आप जानते हैं सैमसंग मशहूर है अपनी एमोलेड डिस्प्ले के कारण, और इस फोन के अंदर आपको 20,000 की प्राइसिंग में वो एमोलेड डिस्प्ले नहीं दी गई है, आपको दी गई है एक TFT डिस्प्ले। तो हाँ, सैमसंग ने इस बार इस फोन के अंदर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया है। खैर कोई बात नहीं, जो लोग सैमसंग लवर हैं और जो 5G फोन लेना चाहते हैं सैमसंग की ओर से, वो एक बार इस फोन को चेक कर सकते हैं, क्योंकि यार याद रखिए ये फोन 11 5G बैंड लेकर आता है, जो कि इस प्राइसिंग के अंदर देखना बहुत ही बड़ी बात है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और नई टेक इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।